नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल है नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप पे देख ही चुके हैं ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है हिमाचल में स्कूल कॉलेज बंद कहाँ की खबर है क्या खबर है चलिए जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं तो देख सकते हैं भारी बारिश का अलर्ट बंद रहेंगे स्कूल इस खबर पर क्लिक करके कर जाने कहाँ कहाँ दो दिन बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में बारिश के अलर्ट के बीच बुद को बुधवार को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे मंगलवार को जिला शिमला मंडी हमीरपुर व बिलासपुर के उपायुक्त ने अवकाश के संबंध में आदेश जारी किए इसके अलावा जिला कांगड़ा में इंदौरा प्रशासन ने 24 अगस्त तक बाढ़ग्रस्त मंड एरिया के स्कूल कॉलेज व वा, आंगनबाड़ी केंद्रों को दो दिन बंद रखने का निर्णय लिया है वहीं ज्वलन वहीं जिला सोलन के अर्की उपमंडल के सभी सरकारी व निजी स्कूल स्कूलों के पाँचवीं कक्षा तक के बच्चों को दो दिन के अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं बुधवार व गुरुवार को पाँचवीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे हालांकि स्कूल स्टाफ को अपनी ड्यूटी यथावत देनी होगी इसके अतिरिक्त नालागढ़ उपमंडल में सभी उप स्कूलों को दो दिन के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं वहीं कसौली उपमंडल में दो स्कूल दो स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं जिला शिमला के सभी उपमंडलों में स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बारिश के अलर्ट को देखते हुए तेईस और चौबीस अगस्त को बंद रहेंगे यह आदेश उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जारी किए देर शाम उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने भी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मंडी जिला के सभी शिक्षण संस्थानों को दो दिन बंद रखने के आदेश जारी किए हैं इसके अलावा जिला बिलासपुर में सभी शिक्षण संस्थानों को तेईस अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया है बिलासपुर में बारिश के अलर्ट को देखते हुए उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन ने एक दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं कांगड़ा धर्मशाला में आज छुट्टी उपमंडल कांगड़ा धर्मशाला तेरह ज्वालामुखी के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थान बुधवार को बंद रहेंगे भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए तेईस अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं तो दोस्तों ये ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ धन्यवाद जय हिंद 再拍。